वेलकम टू कोडिंग बडीज। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं कोडिंग बडीज। तो इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आप सबको पता पड़ गया होगा कि ये वीडियो किसके रिगार्डिंग है। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर आउट कर देता हूँ कि जो TCS में इंसेंटिव, सबको पता है कि ज्वाइनिंग बोनस 60,000 का रहता है, लेकिन अभी एक नई अपडेट आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि इन्होंने कैसे ब्रेकेज किया है इंसेंटिव में, कि अब सबको 60,000 नहीं मिलेगा IPA क्लियर करने के बाद। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको पता पड़ जाएगा कि कैसे कैसे ब्रेक किया है अमाउंट को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कैसे कैसे ब्रेक किया है। तो इन्होंने क्राइटेरिया बनाया है TCS ने, अगर आप IPA एग्जाम में 55% और से अबव स्कोर करते हैं और 30 अप्रैल से पहले कर लेते हैं आप, तो आपको मिलेगा 40,000 का इंसेंटिव। और अगर आप 55% से अबव स्कोर करते हैं लेकिन आपका 30 अप्रैल से ज़्यादा टाइम हो गया, तो आपको मिलेगा सिर्फ 20,000 का इंसेंटिव। और जैसा कि आपका 80% से अगर आप अबव स्कोर करते हैं तो आपको मिलेगा ओवरऑल 60,000 का इंसेंटिव। उसके साथ ही साथ दो कंडीशन और दी हुई हैं जो सबको मालूम होगी, जो TCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो ऑफर लेटर जिनको मिल गया है सबको मालूम होगा कि जो आपका जो रिवार्ड होता है, ये जो आपको मिला है एक्सप्लोर प्रोक्टिव असेसमेंट क्लियर करने के बाद जो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिला है, अगर आप विद इन 12 मंथ्स आप TCS को छोड़ देते हैं तो आपको वो नहीं मिलेगा, आपको वापस करना पड़ेगा वो आपका अमाउंट 60,000 का। सो ये अपडेट थी। अब मैं आप सो गाइस, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है हमारे पास। जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मतलब जितने भी हम अपडेट डालते हैं अपने चैनल पर, वो सारी उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन एटलीस्ट आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होती है जिससे आप जॉब पा सकें। लेकिन उसके साथ ही साथ हमें हमारे सोसाइटी में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी उनको UG और PG भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास एक बेहतरीन हमने ऐप खोज लिया है, उसका नाम है अपना। तो इस अपना ऐप के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अपना ऐप का आप प्ले स्टोर पर डालेंगे अपना, सबसे ऊपर आपको अपना ऐप आ जाएगा। सबसे अच्छी बात इस ऐप की क्या है कि ये मेड इन इंडिया ऐप है, तो इसमें कोई भी बाहर की फंडिंग नहीं है, तो आप बिल्कुल ट्रस्टवर्दी ऐप है। उसके साथ ही आप प्ले स्टोर पर डालेंगे तो वैसे ही आपको अपना जॉब जॉब सर्च इंडिया वैकेंसी अलर्ट आपको करके ऐप आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ओपन करते से ही आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालते से ही आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसके साथ ही आपको अपनी डिटेल्स भरनी है और आपको कहाँ पे जॉब करनी है वो आपको लोकेशन डाल देनी है। तो वो जॉब जो ऐप है वो आपके लोकेशन के अराउंड ही जॉब सर्च करेगा, जिससे आपको कहीं बाहर ना जाना पड़े। उसके साथ ही साथ अपना फोटो अपलोड कर दीजिए तो आपका एक वर्चुअल ID विजिटिंग कार्ड बन जाएगा। उसके साथ ही साथ आपसे ये पूछेगा कि आप किस कैटेगरी में जॉब करना चाहते हो, आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको सारी जितनी आपकी रिलेटिव जॉब्स होंगी आपके लिए जो आपने शॉर्टलिस्ट किया है, वो सारी आपको शो करने लगेंगे ऐप में। तो डायरेक्ट आप इससे अप्लाई कर सकते हैं और इसको अप्लाई करते से ही आप डायरेक्ट अपने HR से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये ऐप काफ़ी अच्छा ऐप है, इम्पॉर्टेंट ऐप है, मतलब काफ़ी हेल्पफुल है। मेरे कुछ दोस्तों ने ट्राई भी किया है तो काफ़ी अच्छा ऐप है। तो आप अपने उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जो अपनी फर्दर एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं या आपको लगता है ये ज़रूरतमंद है, तो आप इसको ऐप को शेयर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता देता हूँ। उसके साथ ही साथ जो ये बोनस मिलने के लिए जो एग्ज़ाम होता है, जैसे हम बोलते हैं आइन प्रॉक्टोड असेसमेंट या बोलते हैं हम कंप्यूटर प्रॉक्टोड असेसमेंट, अगर घर से हम देते हैं तो इसमें सिलेबस में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम निकाल लेंगे, अगर आप बोलेंगे 2021 के एग्ज़ाम निकाल लेंगे तो उसका सिलेबस अलग है, तो उसको देखते हुए ना जाए, नया सिलेबस फॉलो करें। जैसे अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे 30 जनवरी को है, 30 जनवरी को है, 13 फरवरी को है, तो इन सब में आपको नए पैटर्न से आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथन स्ट्रीम को लेकर। अगर जिस व्यक्ति ने पाइथन स्ट्रीम को चूज़ किया है IPA एग्ज़ाम के लिए, तो उनका कैसे रहने वाला है पैटर्न। सबसे पहले सेक्शन रहेगा आपका नो योर TCS, KYT, बिजनेस स्किल, UI, UX, पाइथन और MySQL। तो ये तो आपका 50 MCQ बेस्ड रहने वाले हैं ये सारी चीज़ें, ये सेक्शंस आपके। और आपका अलग से कोडिंग रहेगा जिसमें दो क्वेश्चंस आएंगे आपके कोडिंग में, 15 और 35 मार्क्स का रहेगा। एक 15 मार्क्स का रहेगा जो आपका काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन रहेगा, सिंपल, और एक रहेगा 35 मार्क्स का जिसमें आपका ऊप्स कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आपका प्रोग्रामिंग का रहेगा। और अगर हम बात कर लेते हैं जावा स्ट्रीम में क्या चेंज आ जाता है सर, जावा स्ट्रीम में क्या होता है, जैसे आप पाइथन में देख सकते हैं, पाइथन में आप ये देखिए चार चीज़ें तो दोनों में कॉमन है, आपका KYT, बिजनेस स्किल, UI, यूनिक्स, देख लीजिए आप, दोनों में कॉमन है और दोनों आपको ओवरऑल मार्क्स मिला के देते हैं, दोनों के दोनों 25 मार्क्स के हो जाते हैं चारों चीज़ें। उसके अलावा चेंज कहाँ पर आता है,
एमसीक्यू में, एमसीक्यू में अगर आप पाइथन स्ट्रीम चुनते हैं तो आपको पाइथन के 15 एमसीक्यू देने पड़ेंगे, जबकि जावा में 15 जावा के देने पड़ेंगे। और पाइथन में आपको माई एसक्यूएल का 10 एमसीक्यू आएंगे, जबकि आपको जावा में एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल के आपको 10 एमसीक्यू आएंगे, और प्रोग्रामिंग का सेम है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।